न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच नगर रण। नगर रण में खबर आपको बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ की अपडेट बताते हैं आपको, पल पल की अपडेट देते हैं कि पार्टियों में क्या चल रहा है, पार्टियों में कैसी खींचतान चल रही है टिकट को लेकर के। अभी किसी प्रत्याशी को घोषित नहीं कर सके हैं, जिले के दावेदारों की लंबी लिस्ट है और किसी प्रत्याशी पर सहमति नहीं बन सकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णय लेने में असफलता दिखाई देती है, निर्णय लेने में अदूरदर्शिता दिखाई देती है। दलों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सब में देखा जाए तो सभी में अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कल तक प्रत्याशी घोषित होंगे, कल यानी शनिवार तक प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं सभी दलों के, ये बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अभी किसी भी तरह की सहमति नहीं बन सकी है, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो टाउन एरिया के क्षेत्र हो, इस तरह से दलों में खींचतान मची है। हम आपको एक खबर बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, भारतीय जनता पार्टी से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां सांसद विधायक की जिद में फंस गई है भाजपा की सीट। भाजपा के प्रवक्ता राघवेंद्र नाथ शुक्ल और सचिन उर्फ गोलू को भाजपा बना सकती है अपना उम्मीदवार, लेकिन सांसद विधायक की जिद में भाजपा की सीट फंस गई है। जहां सुरेश नारायण सिंह के पक्ष में विधायक पैरवी करते हैं, वहीं नवीन सिंह के पक्ष में सांसद पैरवी करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता राघवेंद्र नाथ शुक्ल या सचिन सिंह उर्फ गोलू को भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। इस तरह से सांसद विधायक के बीच, खींचतान के बीच टिकट का पेच फंस गया है। गड़वारा टाउन एरिया से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां सांसद विधायक के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है और कार्यकर्ताओं की इसमें सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ताओं के टिकट की बात की दूर है। यहां वर्चस्व की जंग में अपने चहेतों को टिकट देने की चक्कर में भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल खींचतान चल रही है। आप समझ सकते हैं, सांसद और विधायक अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए पार्टी में वकालत कर रहे हैं। हालांकि फैसला कैसे होगा, किन पर होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में रार चल रही है। हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां भाजपा के प्रवक्ता राघवेंद्र नाथ शुक्ल, जो जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र के चहेते हैं, खास है जिला कार्यकारी और भारतीय जनता पार्टी के खास चेहरे हैं, उनको प्रत्याशी बना सकती है या सचिन सिंह उर्फ गोलू को प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन इससे इतर सांसद और विधायक अलग अलग लोगों की पैरवी कर रहे हैं और उनके जिद में इस सीट फंसी है। जहां विधायक राजेंद्र मौर्य सुरेश नारायण सिंह की वकालत कर रहे हैं, वहीं सांसद नवीन सिंह की पैरवी करते नजर आ रहे हैं, जिन पर भाजपा दाव लगाने की बात करती है। हालांकि गढ़वारा में सबसे पहले बसपा ने तेजी दिखाई है और गढ़वारा में अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। गढ़वारा में आशुतोष तिवारी उर्फ मोनू, जो समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं और सक्रिय रहते हैं, उनको प्रत्याशी बना करके बसपा ने सबसे बड़ी पहल की है और ये बता दिया है कि हम प्रत्याशी के निर्णय लेने में सबसे आगे हैं, सबसे तेज हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी खींचतान जारी है। समाजवादी पार्टी में जहां प्रमोद पटेल, जो व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं, उनको गढ़वारा से टाउन एरिया की दावेदारी के लिए बताया जा रहा है, वहीं एजाज खान उर्फ मुन्ने भी टिकट की लाइन में है, टिकट की रेस में है। अभी कोई टिकट फाइनल नहीं किया है, ना तो समाजवादी पार्टी ने, ना भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि बसपा ने इस मामले में तेजी दिखाई है और अपने प्रत्याशी को प्रत्याशी की दावेदारी को तय कर दिया है और अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं और आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें और साथ ही शेयर भी करें। देश प्रदेश की बड़ी खबर, जिलों पर पैनी नजर। न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच।